हेलो एवरीवन वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज यहां पे दिसंबर एंड जैन का ये कंबाइंड uh, पूरा सीरीज है जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर आई होप कि आपने देख लिया है सेकंड लेक्चर पे आई हैव अ फ्यू टॉपिक्स फॉर यू सो ये टॉपिक्स क्या है हम देख लेते हैं पहले लिस्ट एक जस्ट ओवर व्यू हाकू आर मून मिशन ये एक जापान का फर्स्ट मून मिशन है जापान का दैट्स इट इज काम्पॉर्टेंट

जाने माने फिगर हैं तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता तो जस्ट मैंने उनके जो आ, कह सकते हैं उनकी जो बुक्स हैं एक लिस्ट यहाँ पे रखी है ताकि अगर उनसे कुछ आए तो यू कैन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस आर्टेमिस यूएस का एक मिशन है क्लाइमेट डिजास्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये कुछ लिस्ट है जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हुई हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में यू एन एफ सी 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 ये तो अभी सबको पता है कि ये क्लाइमेट uh, से रिलेटेड जितने जो टॉप लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल के ग्लोबल लेवल की रहा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार हमारे अंडमान निकोबार की बात हो रही है फुजी बारा इफेक्ट ये जस्ट एक साइक्लोन uh, uh, से रिलेटेड मैटर है देन ग्लोबल पार्टनरशिप ग्लूबिंग यूसी जल जीवन स्वीट रिवोल्यूशन ये सारे टॉपिक्स है, we'll uh, uh, so, हैं पहले टॉपिक पे मिशन ये जापान का है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम जापान का कोई मून मिशन गया है राइट right? तो इसकी जापान की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये भेजा है तो उसकी प्राइवेट कंपनी का नाम है आई स्पेस आई ठीक है ना जापानी स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस आई ने एक आ, आ, लैंडर भेजता है भेजा है आ, मून पे जिसका नाम है एम वन ठीक है ना उस लैंडर का नाम है एम वन और इस मिशन uh, का नाम है आर मिशन तो और ये जो जिन, जिन, जिन रॉकेट का इन्होंने यूज किया है, SpaceX, जो की, uh, की है उसके फाल्कन नाइन रॉकेट के को यूज करके ये मिशन भेजा गया है राइट इट इज जापान फर्स्ट एवर लूनर मिशन एंड ऑफ इट्स तो इसलिए ये काफी हो जाता है ये तो हमें पता होना चाहिए अगर जापान ऐसा कुछ कोई भी कंट्री फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इसमें याद क्या रखना है मैं जस्ट बता दूं ये नाम याद रखना है हकू तो आर मिशन किस चीज से रिलेटेड है वो मून मिशन है एक जापान कंट्री से रिलेटेड है और ये एक प्राइवेट कंपनी ने भेजा है स्पेस की फाल्कन नाइन रॉकेट का यूज किया है बस यही सारे की वर्ड्स है हमें जस्ट की वर्ड्स याद रखने होते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जस्ट वहां पे क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव में की याद रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ताकि वहां पे जैसे ऑप्शन देखें आप वहां पे पहचान पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हैुल्कैनो uh, ये इंडोनेशिया में अभी ब्लास्ट हुआ है इन ईस्टर्न आइलैंड जावा जावा आइलैंड जो जावाइलैंडिया इंडोनेशिया इंडोनेशिया एक्चुअली एक बड़ा सा आइलैंड ग्रुप है तो उसी का पार्ट है जावा इसको सुमेर को द ग्रेट माउंटेन भी कहते हैं राइट जहाँ पे ये वुलकेनो ब्लास्ट हुआ है हाईएस्ट वोल्केनो भी जावा का एक हाईएस्ट वोल्केनो भी है प्रीवियसली इप्टे ये 2021 में इसके पहले इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया की इंडोनेशिया के पास जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड एक्टिव है पूरे वर्ल्ड में ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा एक्टिव वुल्कैनोज है पूरे वर्ल्ड में तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके बाद रिंग ऑफ फायर आपको सबको पता ही है कि रिंग ऑफ फायर को एक वो की रिंग है जो कि पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलती है उसके अराउंड ही है जो एशिया के ईस्टर्न बाउंड्री को फॉलो करती है ये गैस लाइटिंग एक वर्ड है जो काफ़ी अभी न्यूज में रही है और इसका मतलब भी शायद हमें पूछा जाए पर एटलीस्ट uh, मतलब ही पूछा जा सकता है कि गैस लाइटिंग जो है वो uh, इसका मतलब क्या होता है या फिर वर्ड ऑफ द ईयर के uh, नाम पे भी पूछा जा सकता है तो हम समझते हैं कि आखिर गैस लाइटिंग है क्या वर्ड ऑफ द ईयर है ये और uh, जो डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर उसके अंदर उसी डिक्शनरी uh, ने इसको चूज किया है वाई इज दिस इम्पोर्टेंट अब सीन क्या है कि इसको इसका अगर हम सिंपल सा अगर मीनिंग देखें बहुत ही छोटा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अगर आप किसी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं इसका एक और भी है कि आप इम्बेलेंस ऑफ पावर शो करता है ये ठीक है ना इम्बेलेंस ऑफ पावर बिटवीन अब्यूजर एंड द पर्सन दे आर गैस लाइटिंग तो दिन थिंग इज की जैसे एक अब्यूजर है या फिर पॉपुट्रेटर है जिसने uh, कुछ वायलेंस किया है कुछ गलत काम किया है और उसके बाद वो फिर जो जो विक्टिम है उसी को अक्यूज कि तुम्हारी वजह से जैसे आ, सिंपल सी बात है कि अगर कोई आ, किसी लड़की की सपोज रेप हो जाती है किसी महिला की और फिर उसको बोला जाए कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना फिर उसी को गलत ठहराया जाए उसी को पनिश किया जाए राइट कि तुम अकेले बाहर क्यों गई तो कुछ भी तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थिंग इज दिस तो यहाँ पे द थिंग इज कि हमने अपनी जो विक्टिम है उसी को गलत ठहराने की कोशिश की उसी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश की एक मैंने एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल दिया है दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जैसे आ, रिसेंट हिस्ट्री में जैसे नाइनटीन नाइनटी वन के पास कश्मीर में चीनो साइड तो नहीं कह सकते कहना भी चाहिए शायद बहुत सारे लोग मारे गए थे वहां पे कश्मीरी पंडित जो थे और वहां से वो मुझे कश्मीर फाइल्स मूवी भी आई है उसके ऊपर राइट तो जब ये कुछ होता है और उसके बाद जब वो लोग कोर्ट में जाते हैं अपना मैटर लेकर के तो कोर्ट कहती है कि बहुत टाइम निकल गया है अब इसके हम इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं कर सकते सो दिस इज हाउ कि आप एक तो उन लोगों के साथ इतना गलत हुआ और जब वो मैटर लेके जस्ट जस जुडिशरी के पास जाते हैं तो ये जुडिशरी कहती है कि काफ़ी टाइम हो चुका है तो ये ऐसा सीन है तो दिस इज हाउ गैस लाइटिंग इज डन जब ये मूवी बनाई गई तो मूवी को भी लोगों ने प्रोपेंड प्रोपेगेंडा कहा तो यहाँ पे विक्टिम को ही ट्रिविलाइज करने की कोशिश की जा रही है राइट right? ये गैसलाइटिंग वर्ड जो है वो 1938 की एक प्ले है गैसलाइट उस वर्ड से आती है वहां से ये वर्ड जो है वो आता है राइट देन स्पोर्ट्स का हम देख लेते हैं उसमें अचंता शरत कमल ये एक टेनिस प्लेयर है इनको टेबल टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर है जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2022 का राइट right. अब मेजर ध्यानचंद इसमें जो बात एक तो यह है कि हमें ये नाम पता होना चाहिए हमेंता शरद कामल दूसरी बात यहां यह है कि जो इम्पोर्टेंट चीज इस टॉपिक से रिलेटेड कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पे दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पर ये जैसे हमारा अभी ओलंपिक हो रहा था सॉरी कॉमनवेल्थ हो रहा था उसी समय Uh, इसके uh, इसका नाम चेंज कर दिया गया है जो ये स्पोर्ट्स के लिए ये हाइस्ट अवार्ड दी जाती है राइट और ये uh, इसके अंदर कुछ पच्चीस लाख रुपए एंड स्क्रॉल ऑफ ऑनर ये सब चीजें दी जाती हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट पर ये uh, एक पिछले चार साल के जो परफॉर्मेंस होती है आपकी उसके ऊपर आपको दिया जाता है मेजर uh, ध्यानचंद या फिर खेल रत्न जो भी आप उसको कह लें पहले राजीव गांधी था अभी उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है राइट अभी नाउ द थिंग इज कि ये 1991 नाइनटी में पहली बार दिया जाता है जो फर्स्ट वो इसके जो रेसिपेंट होते हैं वो होते है हैं विश्वनाथन आनंद जो चेस मास्टर हैं चेस खेलते हैं डे टू ड्रीम कॉन्टेस्ट ये तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि डॉक्टर अब्जु ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये डे टू ड्रीम कॉन्टेस्ट अठारह साल से ऊपर के बच्चे इसमें जो स्टार्टअप करते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं देन द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू अब ये रिपोर्ट हमें जाननी चाहिए कि कौन सी स्टेट कौन सी सिटीज ऐसी सिटीज़ हैं जो सबसे महंगी है पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर ये दो ऐसी सिटीज़ हैं जो सबसे महंगी है पूरी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा है न्यूयॉर्क तो हमें समझ में आता है यूएसए के अंदर है सिंगापुर तो एशिया का पार्ट हो जाता है तो यहाँ पे एशिया के अंदर भी एक स्टेट एक सिटी है जो सबसे ज़्यादा महंगी है पूरी दुनिया में सेकेंड में तालावीब है जो कि इसराइल में है लॉ थर्ड में लॉस एंजलिस एंड हॉन्गकॉन्ग दोनों एक साथ हैं और इस तरीके से पूरी लिस्ट है इंडिया में बेंगलुरु सबसे ऊपर है हंड्रेड सिक्सटी प्लेस पे चेन्नई 164 पे एंड अहमदाबाद 165 पे ये हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट तो ये बेंगलुरु चेन्नई एंड अहमदाबाद तो हम ये यह यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंगलुरु जो है वो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है श्री और के बारे में हमें जानना चाहिए जा, क्योंकि इनकी हंड्रेड फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी अभी जस्ट मनाई गई है तो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है अब श्री और जो है वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में या फिर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन जब बंगाल का पार्टीशन होता है नाइनटीन में ठीक है ना उन्नीस में जब ये पार्टीशन होता है तो उसी समय ये जो ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उसके उसको अपोज करते हैं बंगाल के पार्टीशन को क्योंकि उस समय जो इंडिया का जो विजन था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो इंडिया नहीं अखंड भारत की बात करते थे जो कि अफगानिस्तान या अफ़गानिस्तान से भी आगे ईरान तक जाता है तो ये हमारा अखंड भारत का आइडिया है राइट तो लेकिन हमने एक एक करके सारे लैंड जो है वो हमसे छूटते गए हम पहले अफगानिस्तान खोए अफ़गानिस्तान के बाद हमने पाकिस्तान खो दिया हमने बांग्लादेश खो दिया हमने म्यांमार खो दिया हमने नेपाल खो दिया ये सारा जो एरिया है वो वी हैव लॉस्ट राइट तो 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन होता है वहां पे अरविंदो काफी एक्टिव होते हैं ठीक है अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये इन्होंने एक जर्नल लिखी बंदे मातरम ये हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है जो याद रखनी चाहिए उसके बाद इनके कुछ व्यूज हैं जैसे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और एक्चुअली ये कभी भी मॉडरेट में नहीं आते एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरीज में आते हैं और वो कभी भी ब्रिटिश के साथ कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते थे राइट ये उनकी आइडियोलॉजी थी पर जब वो वर्ल्ड वॉर टू होता है तो उस समय वो चाहते हैं कि हिटलर हार जाए क्योंकि हिटलर वाज इनके नजर में वो एक एविल था और उन उसने क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसने like जिनोसाइड को उसने मारा है साठ लाख लोगों को उसने मारा है ठीक है ना तो आस्ट इस, uh, to the and वो हिटलर की डिफीट uh, चाहते थे राइट तो इस लाइन पे ये गांधी जी के साथ हैं उसके बाद अलीपुर अलीपुर बॉम्ब केस जो होता है नाइनटीन जीरो एट में उसमें वो जेल चले जाते हैं और दो तीन बार वो अरेस्ट किए जाते हैं अब कुछ इनके वर्क्स हैं जो हमें यहाँ पे इस यहाँ पे यही सारे एग्जाम में आते हैं इंग्लिश न्यूज पेपर कॉल बंदे मातरटीन जीरो फाइव में उसको इन्होंने एडिट किया है बेसिस ऑफ योगा भगवद गीता एंड मैसेजेस फ्यूचर ऑफ रेवल्यूशन ऑफ मैन रिबर्थ ऑफ कर्मा एंड सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल आर ऑफ गॉड तो ये सारे इसमें से बंदे मातरम एक्चुअली एक बार एक पूछा भी गया है और फिर से पूछा जा सकता है इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बाकी ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि जस्ट गो थ्रू दीज नेम्स वंस ट्वाइस थ्राइस एंड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड नाउ ये तो बहुत हम इम्पोर्टेंट है बी आर अम्बेडकर वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट फिगर हैं इंडियन पॉलिटिक्स में फ्रीडम फाइटिंग में सब कुछ में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट right? असेंबली में इनकी डिबेट्स काफी इंपॉर्टेंट है अब हमें इसके लिए इनसे जो भी रिलेटेड इनके जर्नल्स हैं बुक्स हैं जो कुछ भी है ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जर्नल्स मूक नायक नाइनटीन में अभी मूक नायक ट्विटर पे एक आ, आ, हैंडल है जो कि एक ट्विटर हैंडल भी है अब आई डोंट नो कि वो अम्बेडकर राइट जो है वो लोग चलाते हैं या कौन चला रहा है बहिष्कृत भारत ये सॉरी जस्ट गिव मी एक uh, मूक नायक बहिष्कृत भारत समाथा, समाथा जनता समथा है ये समाथा है जनता उसका uh, बुक्स इसके काफी इंपॉर्टेंट है जैसे एनहाइलेशन ऑफ कास्ट ये कास्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट बुक है एक्चुअली हमारे कोर्सेज में भी ये पढ़ाई जाती है बुद्धा और कार्ल मार्क्स द अनटचेबल्स बुद्धा इन धम्मा द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन ये सारे इनकी बुक्स हैं देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये सारी जो है इनकी और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी दे आर वेरी फेमस इम्पोर्टेंट एंड फेमस ऑल्सो एंड इम्पोर्टेंट आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे अमूक नायक और बह, ये बहिष्कृत भारत ये काफी इंपॉर्टेंट है एनाइलेशन ऑफ कास्ट ये तो सबको ही पता रहता है कि नाइनेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी है बुद्ध और कार्ल मार्क्स तो ये कुछ बुक्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है जो कि अम्बेडकर से रिलेटेड है उसके बाद आर्टेमिस वन ये एक्चुअली अनमैंड व्हीकल जान मून पे जाएगा और उसके बाद वहां पे फिर से मैंड व्हीकल जाएंगे यानी लोगों को लेके जाएंगे मून पे उसी के रिलेटेड उसी से रिलेटेड ये आर्टेमिस वन है अब हम देखते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड बातें क्या हैं नासा की एक्चुअली है ये नासा की इनिशिएटिव है अनमैन मून मिशन आर्टेमिस वन इसमें लोग नहीं जाएंगे लेकिन आर्टेमिस थ्री जो होगा एक्चुअली वन जाएगा पहले टू जाएगा फिर थ्री जाएगा तो वन में या कि ये क्या करेंगे कुछ ट्रायल्स होंगे जो इसके कैप्सूल्स हैं ओरियन कैप्सूल है जो भी हम देखेंगे आगे उसको वापस लैंड करवाना है इंडिया पे ये सारी टेस्टिंग चलेगी फिर जो आर्टेस थ्री होगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में जाने वाला है उसके अंदर लोग जाएंगे ठीक है ना तो ये आर्टेमिस आर्टेमिसन है क्या अनक्रूड मिशन ऑफ नासा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें कोई भी ह्यूमन बींग नहीं जा रहा है राइट ये ग्रीक मेथोलॉजी के अंदर अपोलो जो है उसकी सिस्टर के नाम पे आर्टेमिस रखा गया है नाम राइट इट विल टेस्ट द एजेंसीज स्पेस लॉन्च सिस्टम एस एल एस एंड रॉकेट ओरियन रॉकेट एंड ओरियन क्रू कैप्सूल ओरियन कैप्सूल जो अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में भी और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जो है उसको बाद में लोगों को लेके जाएगा लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एट मून डेकेट टू कम आने वाला जो टाइम है उसके अंदर मून पे लोगों की प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए ये मिशन है राइट इम्पोर्टेंस वन से क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंस इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन टू ये जस्ट हमने देख लिया है कि मून को वहाँ पे मून पे लोगों को लेके जाएंगे क्यूबसेट्स आर क्यूबसेट क्या है वो वहाँ पे कुछ रिसर्च करने के काम आएगा क्यूबसेट्स आर इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स मेंट टू मेंट फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर वाटर इन ऑल फॉर्म्स एंड फॉर हाइड्रोजन दैट कैन यूटिलाइज सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर एंड हाइड्रोजन वहाँ पे ढूंढेंगे उसके लिए क्यूबसेट उसी के अंदर उसका एक पार्ट होगा वो वहाँ पे रिसर्च कर सकता है एक्सपेरिमेंट भी की जा सकते हैं डमी प्रेजेंस ऑन बोर्ड ओरियन ये सारी चीजें पे होंगी जो ओरियन कैप्सूल को टेस्ट करेगा रॉकेट जो है हमारा SLS उसको टेस्ट करेगा हमारे नहीं जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वहां पे फर्स्ट अपोलो मिशन के बाद मून पे पहली बार लोग जाएंगे

और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी एक्चुअली इसमें जो कॉप ट्वेंटी सेवन हुआ है उसके अंदर एक फंड भी जनरेट की गई है का पाकिस्तान को देने के लिए ताकि इस तरीके जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ कंट्रीज जो सफ़र कर रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में हम देखते क्या है कि अप्रैल के पहले सिक्सटी टू परसेंट लेस दैन नॉर्मल रेनफॉल वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है इसकी वजह से वहाँ पर हो जाती है काफ़ी टेम्परेचर हाई क्योंकि रेनफॉल कम है तो टेम्परेचर हाई हो जाती है न द टेम्परेचर हाई होती है जिससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और उससे नदियों में पानी बढ़ जाता है और फिर उसके बाद जो बारिश आती है उसकी वजह से फिर और भी बाढ़ आने वाली सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं टू ट्वेंटी मिलियन पीपल जो है वहाँ परेशान हो जाते हैं एक्स्ट्रीम रेनफॉल अंडर फॉर द्रीगर द मोस्ट डिफर्स्टेटिंग फ्लड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर तो ये हमने देखा कि दो रीजन है एक तो बारिश कम होने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से और फिर बारिश आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड होते हैं फ्लड इट वॉज द वर्स्ट इन कंट्रीज एंट हिस्ट्री सेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान में हमने देखा कि कैसे पूरा हरप्पा एंड जो हरप्पा का जो र, 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 रीजन है वो भी पूरा डूब गया था लोग इसके लिए भी परेशान थे कि जो हमने इतना खोद के रखा है वो सारा कुछ उसके अंदर अब मलबा भर गया होगा देन पंद्रह सौ लोग कुछ पंद्रह सौ लोग मारे गए थे तो ये काफी बड़ा एक न्यूज है देन हरिकेन लैंड इन यूएस अब ये हरिकेन लैंड क्या करिए इसने नासा द वॉर्म ओशन वाटर्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको हरी केन लैंड इन दूस द स्ट्रॉगेस्ट हरी केन्स टू हिट द कंट्री इन रिसेंट मेमोरी तो ये हरिकेन लैंड आपको बस इतना याद रखना है कि ये यू एस से रिलेटेड है एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये एंटर करता है यूएस में देन ठीक है बस इसके अंदर कुछ और डिटेल्स हैं उसके बाद यूरोप में ड्रॉट आए हैं अभी हमने देखा कि कैसे हीट वेव्स यूरोप में कैसे उनको कैसे हिट किया है जून जुलाई में ठीक है ना हीट वेव्स इसमें कुछ पांच सौ लोग हंड्रेड ईयर्स थाउजेंड लाइफ इतने सारे लोग वहां पे मारे गए थे और अभी हमने साइक्लोन बॉम्ब भी देखा था रिसेंटली जो कि यहाँ पे कवर नहीं किया गया 2023 है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ये साइक्लोन बॉम्ब जिसमें यूएसए में कैसे लोग कार में ही फ्रीज हो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे कम हो गई थी राइट अब इसकी ड्रॉट की वजह से जो वहाँ पे रिवर्स है उनके पानी कम हो गए थे और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है लोगों को राइट देन नेक्स्ट आता है स्पेन एंड पोर्चुगल यहाँ पे अजोर्स हाई है यानी कि ये सब एक्चुअली वो उसी कह सकते हैं ये वाला जो लास्ट टॉपिक है हमारा जिसमें टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है जो ड्रॉट होता है उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे जो स्पेन एंड पोर्चुगल झेलता है ठीक है ना अबोर्स हाई क्या है जिसकी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है और हाई प्रेशर की वजह से बारिश नहीं होती और टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये पेनसुला पेनिसुल, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जो है है उसी के अंदर स्पेन एंड पूरा उस पेनिसुला पे ही है। राइट तो ये ड्राईस्ट वेदर टू ट्वेल्व हंड्रेड ईयर्स ये सारे जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अब यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बात क्या रखनी है एजोर्स हाई ये क्या होता है इसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर क्योंकि जब प्रेशर यहाँ पे हमने देखा ज्योग्राफी में कि जब प्रेशर हाई होती है तो नो रेनफॉल स्टेबिलिटी आ जाती है एयर की मूवमेंट बंद हो जाती है एंड उसकी वजह से जब एयर जो नीचे सबसाइड uh, uh, करता है ऊपर से जब नीचे आएगा एयर हाइट से नीचे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ती है जब नीचे से एयर ऊपर जाता है तो उसकी टेम्परेचर घटती है राइट right. तो ये चीजें यहाँ पे स्पेन पोर्चुगल के इंडिया में कुछ नैचुरल डिजास्टर्स हुए हैं 2022 में पर इससे ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात है नहीं अब हम आते हैं यू में कि इसके अंदर आखिर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अब यू एन एफ सी 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 क्या सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यू एन एफ सी 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 यानी कि यूएन की जो क्लाइमेट बॉडी विंग है उसकी वो जो है जो एक्सट्रीम सॉरी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो यू लेती है और ये यू से कनेक्टेड है इसकी मीटिंग uh, जो है बॉन्ड में होती है इसकी सेक्रेटेरिएट अदरवाइज जहाँ पे जो पार्टी मिलती है वहां पे मीटिंग होती है हर साल इसकी मीटिंग होती है हम देखते हैं कि अभी जो लेटेस्ट इसकी मीटिंग है कॉप ट्वेंटी सेवन ये इजिप्ट में हुआ है श्यामल शेख में इजिप्ट में ये हमारे लेटेस्ट मीटिंग हुई है इसके पहले कॉप ट्वेंटी सिक्स जो थी ये सॉरी कॉप ट्वेंटी सिक्स जो थी ये ग्लासगो में हुई है है ना लास्ट वाली अभी जो करंट है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाली वो हुई है uh, शामल शेख इजिप्ट में ठीक है फर्स्ट कॉप अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखते चलेंगे फर्स्ट कॉप जो है वो हुआ है जर्मनी में नाइनटीन में बर्लिन अब यहां से कुछ चीजें हैं जो इंडिया में हुई है COP 20, 2002 में ये हमें पता रखना चाहिए कि इंडिया में कौन सी हुई है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पेरिस इससे अक्सर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है पेरिस अग्रीमेंट तो ये कॉप ट्वेंटी वन में होता है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है COP 21 में होता है पेरिस अग्रीमेंट और ये पेरिस uh, में फ्रांस में होता है इसी में हमें दो डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखना है ये टारगेट uh, वहां पे फिक्स की जाती है तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद कॉप ट्वेंटी सेवन है जो कीमल से की एक इजिप्ट में हुआ है और यहाँ पे कॉप ट्वेंटी सिक्स के बारे में बात कर ले हम की जो हमारा नेट जीरो का जो टारगेट है ट्वेंटी सेवेंटी तक इंडिया को नेट जीरो अचीव करना है ये टारगेट इंडिया हम देते हैं इंडिया देती है ट्वेंटी सिक्स में जो कि सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी कॉप ट्वेंटी सिक्स ग्लास्को में राइट एंड यस देन हमें हमारे पास कॉप ट्वेंटी सेवन है जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड है जिसे की बात मैं कर रहा था जो कि मैं पाकिस्तान को दिया गया है राइट right. उसके बाद यहाँ पे uh, कुछ और हैं जैसे कि ठीक uh, है Alliance, ये सब इतने important नहीं बस आपको इतना याद रखना है। and Fund is related with this, COP27, और ये इजिप्ट में हुआ है ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले भी कवर किए हैं कॉप ट्वेंटी सेवन पे डिटेल में जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है उसके बाद रशिया की एक न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर बनाई है रशिया ने जो कि जो आर्कटिक है क्योंकि जैसे हम रशिया का देखें पूरा एक मैप ऐसे ये रशिया है अगर सपोज तो यहाँ पे आर्कटिक है तो यहाँ वाला जो एरिया है ये जमा हुआ है और इसकी वजह से ये एक्चुअली एक शिपिंग रूट है यहाँ से आसानी से हम ऐसे यहाँ से शिप ट्रैवल करा सकते हैं लेकिन ये आइस अगर जम जाता है तो यहाँ से शिप जाने में दिक्कत होगी उसको तो रशिया ने क्या यहाँ से आइस ब्रेकर ये न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर है जिससे ये आइस ब्रेक कर देगा तो आसानी से हम यहाँ से एक शिपिंग रूट वो बना देगा फिर वहाँ से शिपिंग कराई जा सकती है वैसे भी ग्लोबल टेम्परेचर हाई होने की बढ़ने की वजह से यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ये जो आइस है वो पिघल रही है तो उसका एक फायदा यह है कि हमारी शिपिंग रूट काफी शॉर्ट हो जाएगी इससे जो यूरोप से जो यहाँ से आसानी से शिप कर सकते हैं अदरवाइज उनको पूरा स्वेज कनाल से होकर आना पड़ता है तो अगर ये खुल जाता है तो एक तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा प्लस जियो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज उनको पूरा अफ्रीका से घूम के जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से जहाँ से वास्को डेगा आया था अदरवाइज uh, हम क्या हम देखते हैं कि स्वेज कनाल से लोग आसानी से आ जाते हैं अफ्रीका को क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती ग्रेट निकोबार को डेवलप क्यों किया जा रहा है ग्रेट निकोबार यानी निकोबार की बात हो रही है इसको डेवलप क्यों जा रहा है इसको पे, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं पहले हमें समझ में आ जाएगा ये है हमारा अंडमान एन निकोबार ये है पूरा इंडोनेशिया ठीक है ना यहाँ पे सिंगापुर है अब ये है स्टेट ऑफ मलक्का तो जितने भी जो स्वेज कनाल से यहाँ पे स्वेज कनाल ऐसे होगा ठीक है ना यहाँ से लोग आएंगे शिप ले करके इंडिया में आएंगे और यहाँ पे जो हमने देखा है कि पिछले वीडियो में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो विंजिम पोर्ट है केरला में उसको भी डेवलप करने की बात की जा रही है अब ये जो पोर्ट है वो आसानी से ये ट्रांसशिपमेंट का पार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शिप्स आएंगी फिर डॉक करेंगी उनको रिपेयर चाहिए सपोज अगर तेल चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं प्लस हम एक इनके साथ जुड़ भी जाएंगे क्योंकि हमारे के एक्स्ट्रा पोर्ट भी इनके साथ मिल जाएगा अदरवाइज वहां पे क्या हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में आना पड़ता है बॉम्बे में जो की हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्स हैं ट्रेडिंग के लिए पर ये वाली पोर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जिसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट देखा है लास्ट वीडियो में कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है अब यहाँ से जो लोग आते हैं जो शिप लेके आते हैं उनके लिए ये रूट है और ये बाकी के यहाँ इन इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए या फिर ऐसे यहाँ से आकर के हम इस तरीके से जा सकते हैं इन बाकी कंट्रीज के साथ ये हमारा शिपिंग रूट है तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अब क्योंकि ये शिपिंग रूट पर ही है तो अगर हम इस जो एरिया है हमारा ये अंडमान निकोबार इसको अगर हम डेवलप करते हैं इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस क्योंकि हम यहाँ पे अगेन uh, इस शिपिंग रूट का के मेंबर हो जाएंगे प्लस ये आने वाले जियो पॉलिटिक्स का भी पार्ट होगा कि इतनी बड़ी शिपिंग रूट के पास अगर हमारा एक प्रेजेंस uh, uh, होता है हमारा यहाँ पे इस इस जगह पे अगर हमारा प्रेजेंस होता है तो हम काफी कुछ कंट्रोल कर पाएंगे राइट right? प्लस चाइना के हम देख रहे हैं कि कैसे <coughs> जो साउथ चाइना सी है ये यह यहाँ पे इसमें चाइना की कैसे उसकी जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमें इस पोर्ट को इस आइलैंड को डेवलप uh, करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये यह है यहाँ पे रीजन की क्यों इसको हम डेवलप करना चाहते हैं <coughs> अब इससे रिलेटेड चीजें हम देख लेते हैं ग्रेट uh, निकोबार इसको सॉरी uh, पहले हम इससे रिलेटेड थोड़ी, थोड़ी चीजें देख लेते हैं जैसे बहत्तर हजार करोड़ रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं तीस साल आने वाले तीस सालों में इसको डेवलप किया जाएगा क्योंकि वो काफी बड़ा आ, कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है उसके बाद है ग्रीन फील्ड ग्रीन फील्ड वर्ल्ड एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रीन फील्ड वर्ल्ड का मतलब होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट किया करके पूरा नया बनाया जाए दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो सपोज पहले से एक सड़क बनी हुई है उसको हम फिर से बना रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं ज कॉल्ड प्रोजेक्ट तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ग्रीन फील्ड पूछ करके ऐसे कुछ environment वाले ऑप्शन तो, uh, को सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह दट इज नॉट द केस ग्रीन फील्ड का मतलब होता है अगर कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट है अगर हम उसको स्क्रेच स्टार्ट करेंट इज कल्ड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट राइट तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे क्योंकि वहां पे पहले से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा यानी कि पहले से वहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं इंटरनेशनल तो इसलिए हम उसको बिल्कुल जीरो से बनाएंगे तो ये सारी काम वहाँ पे की जाएगी नेवी का एक इंडियन नेवी उसको कंट्रोल करेगी राइट और एयरफोर्स भी वहाँ पे रहेगी तो इससे एक हमारी प्रेजेंस भी रहेगी और प्लस चाइना वहाँ पे कुछ ड्रामा भी नहीं कर पाएगा उसके बाद यहाँ पे और भी रीजन क्या है इसको डेवलप करने की कोलम्बो हमारे पास में है जो श्रीलंका श्रीलंका हमारे नज़दीक है तो उससे हम ट्रेड यानी कि ट्रेड इजिली कर पाएंगे प्लस वहां से जो शिपिंग रूट है हम उसका पार्ट हो जाएंगे देन ग्रेट निकोबार जो पार्टी रीजनल एंड मेरी टाइम इकोनॉमी बाई कार्गो ट्रांसशिपमेंट जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट है उसका हम एकचुअली uh, उस एक्चुअली उस सप्लाई uh, चेन का हम पार्ट बन जाएंगे इसलिए हमें उसको डेवलप करने की जरूरत है ये जस्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्रेट निकोबार इज होम टू टू नेशनल पार्क एंड ए बायोस्फेयर रिजर्व अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी थोड़े टाइम में होगा कि अभी जो जितने भी इन्वामेंटलिस्ट हैं वो सारे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे नेशनल पार्क है वहाँ पे ट्राइब्स हैं तो हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह इसमें भी जो हमारे वेस्टर्ड इंटरेस्ट वाले होते हैं लाइक चाइना अगर नहीं चाहता है कि हम इसको डेवलप करें तो वो इन इन्वायरमेंटलिस्ट को पैसे खिला करके फिर उनको एक्टिव करवा सकता है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसको स्लो किया जा सके राइट right? अब इसमें नेशनल पार्क है अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन में कैसे मेजा पाठ करने कितना बड़ा रोड ब्लॉक्स किया था वहां पे, को बनने में नर्मदा नर्मदा नदी के ऊपर जो डैम बनी है उसके ऊपर तो जिसकी वजह से गुजरात को काफी टाइम तक पानी नहीं मिल रहा था फाइनली अः वहाँ की सरकार ने इसको बनाया फिर से और ऊंचा बनाया जितना जितने के ऊपर ये लोग मना कर रहे थे उससे ज्यादा हाइट पे बनाया है और अभी हम देखते हैं कि उस नदी की वजह से गुजरात के बहुत सारे बड़े एरिया में जो सुखार होता था ड्राउट होता था उसको पानी मिल रहा है तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट इस तरीके से काम करते हैं तो यहाँ पे दो नेशनल पार्क है कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलेथिया नेशनल पार्क ये दो नाम आपको याद रखना है कैम्बल बे नेशनल पार्क एंड गलेथिया नेशनल पार्क और एक बायोस्फेर रिजर्व है ग्रेट बायोस्फे ग्रेट निकोर बायोस्फर रिज़र्व तो ये दोनों जो काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है उसके बाद है फूजीवारा इफेक्ट अब इस टॉपिक को बताने से पहले मैं ये दिखा दू फीवारा इफेक्ट में क्या है दो साइक्लोन जो है वो ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे मर्ज हो जाएंगे ठीक है ना और उसके बाद नया कुछ बनेगा तो जैसे हम देख सकते हैं कि हाँ बन रहे हैं ये 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 सारे तो ये दो साइक्लोन्स के मिलने का जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड फुजीवारा इफेक्ट अब इसमें क्या है कि हमें दो चीजें याद रखनी है जो इसमें हिनामोर एंड गार्डो ये दो साइक्लोन्स हैं इसको मिलने के जो जब ये मिलेंगे तो उसको फौजी वारा इफेक्ट कहा जाता है अब इसमें जो ये टाइफून जो ये सिनामोर है ये टाइफून हमें पता है कि जो फिलीपींस का एरिया है उसके अंदर जो साइक्लोस आते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं सुपर टाइफून हेनरी भी इसको कहा जाता है अब ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है पर ये हिनामोर एंड गार्डो ये हमें याद रखना है कि इसी से इन दोनों से रिलेटेड है ये फौजी इफेक्ट अब फौजी इफेक्ट में क्या है आपको यहाँ देख दिख जाएगा ये

मर्ज होकर के फिर एक कुछ बन जाएंगे इसके अंदर इलास्टिक इंट्रैक्शन है पार्शियल ये सारे डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे द फूजीवारा इफेक्ट इज रिलेटेड विथ स्टोम और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये आप कह सकते हैं और ये ट्रॉपिकल से रिलेटेड है ठीक है ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बाली यात्रा बाली यात्रा को बताने से पहले मैं बता दूं बाली यानी एक इंडोनेशिया में है तो बाली के लिए में बता पहले मैं दू पहले मैप दिखा दूं कलिंगा का, का काफी रिलेशनशिप रहा है बाली के साथ यानी इंडोनेशिया के साथ एंशंट टाइम में राइट तो इसी की वजह से हमारा रिलेशनशिप जो है वो कलिंगा इंडोनेशिया के साथ है कलिंगा और कलिंगा उड़ीसा में था ठीक है ना जो अभी करंट स्टेट उड़ीसा है वहाँ पे कलिंगा था तो जी ट्वेंटी क्योंकि हमारा जो जी ट्वेंटी में जो शर्पा है यानी इसके पिछले जो मेंबर थे जी ट्वेंटी की जो प्रेसिडेंटशिप थी एक्चुअली नॉट मेंबर वो इंडोनेशिया में हुई है लास्ट मीटिंग भी इंडोनेशिया में ही हुई है तो जी ट्वेंटी हम इंडोनेशिया से कनेक्टेड हैं उसमें शर्पा जो होता है प्रीवियस मेंबर करंट में प्रीवियस प्रेसिडेंट करंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट तो इंडोनेशिया इंडिया एंड ब्राजील ऐसे करके अगला जो मेंबर है वो अगला जो प्रेसिडेंट है वो ब्राजील को जाएगा ये तीनों इस तरीके से जुड़े होते हैं राइट और वो सारी मीटिंग्स जो हम देखते हैं कि शर्पा लेवल की एक्चुअली जो G20 की जो की मीटिंग्स होती हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं शर्पा लेवल एंड फाइनेंस लेवल ठीक है ना तो शर्पा जो है वो सारे मैटर्स देखता है फाइनेंस फाइनेंस वाले सिर्फ के मैटर्स देखते हैं तो यहाँ पे जी ट्वेंटी समिट से रिलेटेड है पहले तो बाल यात्रा आपको यह समझ में आनी चाहिए महानदी इन कटक कटक यानी कि जो उड़ीसा में है ठीक है ना महानदी उड़ीसा ये नदी भी उड़ीसा में है एक महानदी उड़ीसा में है महानंदा बिहार में है ये दोनों कंफ्यूज नहीं करने का तो ये कलिंगा जो है उसके साथ इसके रिलेशनशिप थे और इसी वजह से यहाँ पे एक कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है इन दोनों की बाली द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन ईयर ओल्ड मैरी टाइम एंड कल्चर लिंक कलिंगा टूडेज ओडिशा एंड बाली बाली यानी कि इंडोनेशिया एंड कलिंगा इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दो हजार साल पुराना उसको uh, यानी उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बाल यात्रा जैसे फेयर ओपन एयर फेयर है तो कली जो uh, कटक में मनाई जाती है मानादी के कि किनारे उसको uh, मनाया जाता है फिर यह हमारे हम वहां पर उनके साथ ट्रेड क्या करते थे पेपर सिनेमन कार्डाम ये सारी चीजें हम उनके साथ ट्रेड करते थे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यह क्यों है क्योंकि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन ये ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं होता मतलब ज्यादा वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट द थिंग इज कि इंडिया को अगेन इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आउट गोइंग चेयर जो है वो फ्रांस के पास है फ्रांस इसको छोड़ के और वो दे रहे हैं इंडिया को ठीक है ना अब लेकिन ये प्रेसिडेंटशिप तो है इंडिया के पास लेकिन ये मीट जो समिट हो रही है वो हो रही है जापान में ठीक है ना और जापान फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट एशियन कंट्री है सिटी टू होस्ट अ समिट

देन ब्लू बगिंग क्या होती है ब्लू बगिंग क्या है ब्लूटूथ से रिलेटेड है जब आपका ब्लूटूथ ऑन होता है डिस्कवरेबल होता है उस समय हैकरूटूथ के आपके ब्लूटूथ के थ्रू दे कैन एंटर यून फोन उसमें आपके कॉल्स कॉल डिटेल्स बाकी सारी डिटेल्स वो हैक कर सकते हैं और इसमें आईफोन तक भी सेफ नहीं है वो भी वेलरेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अक्सर डिबेट में रहता है पर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है और ये डी का पार्ट है ठीक है 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 ना आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है और आर्टिकल फोर्टी फोर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है एंड डीपीएसपी डी पी एस पी जो है वो आर्टिकल 37 में ये लिखा गया है कि इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कोर्ट में आप नहीं जा सकते इस मैटर को लेकर के कि हमारे जो डी पी एस पी में जो भी डी पी एस पी में जो भी राइट्स लिखे गए हैं उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें ये राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं राइट right? उसके लिए गवर्नमेंट जब चाहे जब उसको ठीक लगे या फिर फाइनेंशियली अगर वो सस्टेनेबल हो जब भी सस्टेनेबल हो तब उसके ऊपर लॉ बना सकती है अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट नल का जल बा ट्वेंटी ठीक है ना ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि तो ये डेट भी पूछे जाते हैं हर घर जल जो नल का जल है वो पहुंचाना है बाई ट्वेंटी 2019 में लॉन्च किया जाता है इसके डिटेल्स क्या हैं 55 लीटर ऑफ वाटर हर घर के रूरल हाउस होल्ड जो है उसको पचपन लीटर पानी हर पर्सन मतलब एक इंसान को पचपन लीटर पानी दिया जाएगा यानी घर में अगर चार लोग हैं तो दो सौ बीस लीटर हो गया डेली का ये चल सकती मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है चल सकती मिनिस्ट्री रिसेंटली बनाई गई है उसके बाद स्वीट रिवोल्यूशन है अब ना स्वीट रिवोल्यूशन क्या है स्वीट रिवोल्यूशन देखने में लग सकता है कि शायद मिठाई विठाई से रिलेटेड हो सकता है पर दिस इज अबाउट हनी है ना हनी जो प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आईसी ने इसको इनिशिएट किया है ठीक है और ये उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया है अभी सीन क्या है कि जो हनी है अगर सपोज आपके पास एक हनी बी का वो जो हनी हाइव है तो बी हाइव है तो आप उसको अगर उसमें हनी है तो आप उसको आसानी से प्रोसेस करवा सकते हैं वो वैन आएगी आपके घर पे और वो उसी समय आपको हनी प्रोसेस करके और दे देगी तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्वीट रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है स्वीट क्रांति भी कह सकते हैं स्वीट रिवोल्यूशन ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स इस सॉरी सेकेंड लेक्चर के कुछ टॉपिक्स और बाकी के टॉपिक्स जो है वो थर्ड में आएंगे एंड उसके बाद एक पूरा मैं पूरा एक समरी लेके आऊंगा जिसमें पूरे एक साल की समरी होगी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा पूरे एक साल के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं आप उसको देख सकते हैं एग्जाम के पहले वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा ठीक है फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो में तब तक के लिए आ, सी यू इन थर्ड वीडियो बाय बाय